नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा सर्वोदय इंटर कॉलेज मधुनगर आगरा में 75वां स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन 15 अगस्त 2021 को सर्वोदय इंटर कॉलेज आगरा में हुआ, जिसमें पूर्व सैनिकों के अलावा सर्वोदय इंटर कॉलेज के बच्चे, अध्यापक तथा अन्य सम्मानित सदस्य भी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण रिटायर्ड विंग कमांडर राजीव जुनेजा ने ध्वजारोहण किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सर्वोदय इंटर कॉलेज के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी किया, जिसमें बच्चों ने सरस्वती वंदना की और भक्ति गीतों की प्रस्तुति प्रोग्राम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में रिटायर्ड विंग कमांडर राजीव जुनेजा, जिला अध्यक्ष सूबेदार मेजर परमेश्वर सिंह, महामंत्री कैप्टन रावत, सूबेदार मेजर नेत्रपाल सिंह, प्रधानाचार्य सर्वोदय इंटर कॉलेज रिटायर्ड रिसालदास चंद्र कटारा, आदरणीय केशव चंद्र शर्मा, प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सूबेदार मेजर लाल सिंह चाहर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम और भारत माता की जयकार के साथ समारोह का समापन हुआ। प्रांत प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ब्रज प्रांत, आज का ये आयोजन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के आयोजन में हो रहा है। आज़ाद स्वतंत्रता का 75वां वर्ष प्रारंभ हुआ है और इन 75 वर्षों में देश ने कई स्थानों पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उन कीर्तिमान को आगे बढ़ा करके इस देश को उन्हें विश्वगुरु बनाना है, यह हम सबका प्रयास रहेगा। और सभी कार्यकर्ता बंधु इस बात को ध्यान रख करके कि देश पुनः दुनिया का सिरमौर बनेगा, हमारी सारी शक्ति इसी काम में लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के आगरा ब्रांच का अध्यक्ष विंग कमांडर जुनेजा हूँ। आज 75वें इंडिपेंडेंस डे पे आज ये आयोजन किया गया है। वी ऑल हैव गैदर्ड ओवर हियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आर कंट्री। We are going through a very bad phase as far as the internal crisis is concerned. भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई है, but आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों से भारत को अभी भी मुक्ति दिलानी है। COVID-19 ने वैसे ही भारत की हालत वैसे ही डाउन कर दी है। इसमें अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूरी तरह से तत्पर है हर चीज़ में हाथ बटाने के लिए। COVID-19 के टाइम में परिषद ने बहुतों की सहायता की और हमेशा तत्पर रहती है। इस वक्त हम समस्त देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब भारतवासी, सब और पूर्व सैनिक इसमें भारत को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमेशा सहायता करते रहेंगे। धन्यवाद। शुरू करें। मैं परमेश्वर सिंह, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के महामंत्री। आज का प्रोग्राम 75वां स्वतंत्र दिवस के अवसर पर रखा गया है, जिसमें स्कूल में बच्चे, टीचर्स और एक्स सर्विसमैन के समस्त सदस्य यहां पर उपलब्ध हैं। आज हमारा संदेश ये है, तीन सूत्रों के साथ है, मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, आचार्य देव भाव, जो हमारी ये पारंपरिक सभ्यता है। उसके पहले मैं अपने देश के शहीद, जो अपने देश के लिए आज़ादी के लिए भाग लिया, उनके लिए तथा जो अपने सीमा पर देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए, उनको मेरा सत सत नमस्कार और श्रद्धांजलि है। साथ ही सभी को हमारे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो जैसा मैंने तीन मंत्र बताया, उसको फॉलो करते हुए मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि जो भी गार्जियन है, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उस अपने अच्छा संस्कार दें,
ताकि वो एक देश के लिए अच्छा नागरिक बन सके। साथ ही जो टीचर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कर्मयोगी बन करके शिक्षा दे, साथ साथ देशभक्ति की भावना भी उनके अंदर जागृत करें। बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो अच्छे संगत को अपनाएं और एक अच्छी शिक्षा हासिल करके एक अच्छा देशभक्त बने। आपसे लास्ट में हमसे आप सभी से हमारा अनुरोध यही है कि इस भावना को रखते हुए, देश भावना को रखते हुए अगर हम सभी आगे बढ़ते हैं तो हम एक सुदृढ़ और मजबूत देश की स्थापना कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।